सब बिल्कुल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से उम्मीद है आपको ठीक होंगे। दोस्तों आज का वीडियो होता है, आज हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं और टमाटर वाली स्पाइसी है। तो मेरा कहता था जो है मेरा आपकी बड़ी टेस्टी और स्पाइसी लगती है चिकन कढ़ाई, तो आज हम बना रहे हैं। अब ये देखेंगे गोश्त हमारा कुछ जो है फ्राई होने पर लगा हुआ है, और अभी ये बाकी गोश्त भी पड़ा हुआ है, फिर ये फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम मसाला बनाएंगे। अभी हमने इसको क्या किया था, चिकन को हमने धो के तो इसमें मसाला लगा दिया था फुल, तो अभी हम इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद फिर हम इसको आगे मसाला बनाएंगे। और मेरे ख्याल लोगों को मेरी आपकी हर चीज़ बन गई बड़ी स्पाइसी टेस्टी लगती है, तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं कढ़ाई बना दूँ, तो आज मैं वीडियो भी बना लेता हूँ साथ। तो इसी बारे में चले वीडियो भी बन जाएगा, काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पर वीडियो भी नहीं आई, तो इस वजह से मैंने चलो आज वीडियो भी बना लेते हैं साथ, चिकन कढ़ाई भी आप देख सकते हो, शेयर करते हैं कैसे बनाते हैं। तो अभी ये देखें बन दिया है, अभी इसको टाइम है थोड़ा सा, उतनी देर आ पाएँ। आज हमने लाइटें लगाई हैं सारी, भाई ये देखें ये सारी लाइटें ऊपर भी लगी हुई हैं सारी, किचन के ऊपर भी ये सारी लाइटें लगाई हुई हैं। आज रबीअल का चांद आप सबको दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो, रबीअल का महीना सरकार की हमारे, और आज तकरीबन चौथा रोज़ है, तो आज हमने लाइटें लगा दी सारी, पहले जैसे एक दो लगी हुई थी, अब हमने सारी लगा दी हैं। ऊपर जो है दो झंडे भी लगाए हैं साथ, वो दिन के टाइम आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं, और साथ हमने ये लाइटें लगाई हैं। ये चल तो नहीं गया कहीं नहीं दोस्तों, मुझे खुद भी जो है ना इस तरह की चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं खुद इस तरह की चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा जो है ना शौक से बनाता हूँ। हर बंदे का अपना तरीका का है शौक से जिस तरह मर्जी बनाए, लेकिन मैं जो है ना जब मैंने खानी हो ना तो मैं जो है अपने दुकान के ऊपर बनाता हूँ चिकन कढ़ाई। तो अभी जैसा ये रोस्ट हो रहा है, इसको रोस्ट होने देते हैं, तो बाकी हम फिर बहुत तैयारी करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा मेरे अलावा किचन में यहाँ पर कोई मौजूद नहीं, मैं खुद ही हूँ और मैं खुद आज चिकन कढ़ाई बनाऊँगा इंशाल्लाह, और बड़ी स्पाइसी होगी। मेरे तो मुँह में अभी से ही पानी आना शुरू हो गया इसको देख के, आई थिंक हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। बाकी क्योंकि इतने सारे में भी पकने थे तो हम चूल्हा ऐसा करते हैं थोड़ा सा ये ऐसे, चल अब इसको निकालते हैं अब हम भाई। तो दोस्तों हमने निकाल दिया, अब हम ये दूसरी बोटियाँ डालेंगे, ये ऐसे ये ऐसे ये, और जो पीछे चार आ गई ये नेक्स्ट राउंड में इसको हम फ्राई करेंगे। अभी ये तो काफ़ी सारी फ्राई होगी, आई थिंक चलो क्या करते हैं थोड़ा सा टेस्ट करके, ये फ्राई होगी इसी तरह बहुत गर्म है, यहाँ से छोटा सा पीस उतारते हैं ये स्पाइसी है, मेरे हाथ की चिकन फ्राई हो या ड्राई हो स्पाइसी ना हो सकता है। दोस्तों अभी मैंने सारी चीज़ें अपनी तैयार करके रखी हैं, इसमें ये टमाटर का सारा मसाला पड़ा है, इसको भी मसाला बनाएंगे, और बाकी चीज़ें भी सारी पे पड़ेंगी, ये एक और मसाला ये भी पड़ा हुआ है, इसको भी हम इसमें डालेंगे अभी, और बाकी चिकन रोस्ट करते हैं अभी। मुझे तो देख के भी पानी आ रहा है मुझे, भाई ये देखें जी अभी चिकन कढ़ाई तैयार हुई नहीं है, ये पहले आ गया कि भाई जो है चिकन कढ़ाई तैयार होगी जल्दी से, साथ अभी तैयार नहीं हुई, अभी रहती है ना। एक बात बताओ यार दोस्तों को, मेरे हाथ की कड़ी मज़े की होती है कहीं, इतने मज़े की होती है चटकोरी क्या साथ है। अच्छा इतने मज़े की होती है सही। फाइनली दोस्तों हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, और अब हम इसको निकालते हैं यहाँ पे, आपके आपको भी देख के मुँह में पानी आ रहा होगा, मुझे तो आ रहा भाई इतना टेस्टी। ये हमने रख दिया इधर, अब हम ये निकालते हैं ऐसे, ये निकालेंगे इधर ऐसे डालेंगे, ये भी ऐसे, और ये भी इधर साइड भी, और ये दोनों चीज़ें, ताकि ये हमारा रोस्ट चलें अभी इसको होने देते हैं उतनी देर। हम दोस्तों ये कहते हैं कि जो हमने टमाटर का मसाला बनाया था ये, इसको हम डालते हैं मसाले में, क्योंकि ये मुर्ग वाला मसाला है, इसको हम ज़्यादा बेस नहीं करेंगे, इसको सारे टमाटर वाले पानी थोड़ा निकाल देते हैं इसको हम साइड में, ये ऐसे अब ये सारा टमाटर हम डालेंगे इधर, ताकि ये मसाले में मैश हो जाए, और फिर हम मसाले से इसको बना दें। ये तो हो गया अब तैयार, लेकिन अब ये पानी में डालूंगा, ये घी में डालूंगा, तो ये जो है देखना भी क्या होगा, ये तो कुछ नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, मुझे लगा शायद पानी वाला चमचा घी में जाएगा, और घी जो है
उछलेगा, डाकिस मारेगा। ये पता ये चार बोटियाँ रहेगी, इनको अब हम जल्दी से काटें, तो फिर हम अगला जो है अपना मसाला तैयार करेंगे। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं, चीज़ें तो मैंने पूरा दी सारी बात, तो बस ये जल्दी से हो जाएगा। फिर टाइम तो लगता है इसमें, लेकिन यह कि डेली बेस पर जो टाइम लगता है फार्म रूटीन में, तो उसे जल्दी मैं बना देता हूँ। बस ये हो गया हमारी बोटी फ्राई। आप देखें आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। अब ये थोड़ी सी बोटी चेक करते हैं, एक छोटी सी, ये यहाँ से तोड़ गई। मज़ा का बना तो ऐसा मज़ा का बना मसाला। मेरा तो दिल कर रहा है ये बोटी हम जो ऐसे ही खा जाऊँ, उनको जो है मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पसंद है ले जाऊँ तो कैचअप के साथ ऐसी सारी बोटियाँ खा दूँ मैं। इतना टेस्टी बना ये। तो दोस्तों हमारा ये चिकन तैयार हो चुका है, और इसमें हमने थोड़ा सा मसाला बनाया था, बाकी ये पड़ा कढ़ाई छोटी पड़ी। तो अभी हम जो है बड़ी कढ़ाई लेके आए हैं, अभी इसमें हम डालेंगे। तो ये ज़रा पकड़ो तुम ऊपर कवर से मसाला नजर भी आए। तो अभी हम ये सारा मसाला डालेंगे इसमें, काटते हैं पहले ऐसे। इसमें ये भी बाकी भी डाल देते हैं, ये भी सारा, और इसमें फिर आप हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। तो उधर ही अब हमने ये बना लिया इसमें। देखिए दोस्तों कितना मज़े की कढ़ाई बनने लगी है, मुझे तो देख के पानी आ रहा है। इसमें घी थोड़ा सा और डालते हैं। ये थोड़ा सा ऑयल इसमें डालते हैं, बस चलो अब ये सही है। अभी पहले हम टमाटर जो है इसको सही तरह इसमें मैश कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। ये उसके बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। वो दोस्तों हमारा मसाला तो तैयार हो गया, अब बारी है इसमें मसाले डालने की। अब हम इसमें बारी बारी मसाले डालते हैं ताकि हम जल्दी से कढ़ाई तैयार कर लें अपनी। फिर सबसे पहले हम डालेंगे अनारदाना, तो मैं टेस्ट के लिए डालता होता हूँ, वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है अनारदाने की, लेकिन यह कि बीच में पड़ जाए तो टेस्ट हो जाता है ज़रा। अब हम इसको ज़रा मैश कर लेंगे अच्छी तरह। तो दोस्तों ये है नमक, ये मैंने पहले ही डाल दिया था, थोड़ा सा टेस्ट कम था तो नमक का तो मैंने चाहिए थोड़ा सा डाला। अभी इसको भी हम मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से नमक भी, ताकि मसाला मज़ीद अच्छा हो जाए। ये आपको देख के मुंह में पानी आ रहा होगा। अब हम इसमें डालते हैं हमारे थोड़ी सी हल्की सी काफ़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा होगी। इसमें हम थोड़ी सी ये हल्की सी नमक मिर्च डाल देते हैं इसमें हम ऐसे, बस अब हम इसमें डालेंगे मसाला जो हमने पहले से ही खोल के रखा हुआ है। ये हाफ़ डालेंगे क्योंकि हमने एक पैकेट पहले पूरा जो है चिकन रोस्ट करने पे लगा दिया,
और हाफ मसाला भी हम इसमें डाल दिया। बाकी हम इधर साइड पर रख रहे हैं। अब टेस्ट आएगा इसमें कौरमे का। ये वो कितनी टेस्टी लग रही है कढ़ाई अभी से ही। मेरे मुंह में तो पानी आ गया दोस्तों, आपके मुंह में पानी आ गया होगा। आप आए, आपको हम कढ़ाई बना के खुद खिलाएंगे अपने हाथों से। जो जो दोस्त मेरे देख रहे हैं इस वीडियो को, चलें अब इसको मसाले को तैयार होने देते हैं, फिर अब इसमें हम चिकन डालेंगे। तो दोस्तों हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें हम डालेंगे चिकन और 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे दम पे। तो फिर हमारी कढ़ाई तैयार हो गई। क्या देंगे, अब हम इसमें चिकन की बोटियाँ उठाएंगे और इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे मेरा कढ़ाई बनाने का तरीका ही अलग है और इसी तरीके में घर वालों को बहुत पसंद है ये तरीका कार। आपका आवाज़ आ रही होगी बीच में, मैं कुछ खा रहा था। वो दरअसल बोटी छोटी सी एक रह गई थी, तो वो मैंने कहा चले बस टेस्ट ही कर ले हम। तो ये फाइनली दोस्तों हमारी कढ़ाई अब तैयार हो गया। अब इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको चूल्हे से उठा लेंगे। दोस्तों कढ़ाई मैंने तैयार हो गया, तो मैं उसको खाने लगे हैं। अब हम खा के देखते हैं कैसी बनी है। चस आ गया, बहुत मिले चकोरी, बड़े मिल गया।